नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन। मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सोमवार शाम यहां आईआईएम में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया। हरदिल अजीज कलाम के निधन की खबर फैलते ही देश शोक में डूब गया। उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार रामेश्वरम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति को शाम करीब 6:30 बजे व्याख्यान के दौरान गिरने के बाद नाजुक हालत में बैथनी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसके 2 घंटे से अधिक समय बाद उनके निधन की पुष्टि की गई। अपनी ड्रीम बुक को अधूरा ही छोड़कर चले गए कलाम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के विकास के संबंध में अपनी एक महत्वाकांक्षी किताब पर काम कर रहे थे। तमिल भाषा में लिखी जा रही इस किताब के उन्होंने 7 अध्याय पूरे कर लिए थे। ये किताब तकरीबन पूरी ही होने वाली थी कि कलाम बीच में ही चले गए। कलाम के विजन 2020 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना की गई थी और इसी प्रकार कलाम तमिलनाडु के लिए भी एक ऐसी ही किताब पर काम कर रहे थे। किताब के सह लेखक तथा कलाम के वैज्ञानिक सलाहकार पी पोनराज ने बताया कि इस किताब के 7 अध्यायों को काफी विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दे दिया गया था। पाक उच्चायुक्त से नहीं मिलेंगे प्रकाश सिंह बादल। गुरदासपुर में सोमवार को आतंकी हमले के बाद देशवासियों में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा और बढ़ गया है। आतंकी पाकिस्तान से पठानकोट के बामियाल के रास्ते भारत में घुसे। आतंकी हमले से नाराज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात रद्द कर दी है। ये मुलाकात 29 जुलाई को चंडीगढ़ में होने वाली थी। बीसीसीआई ने भी भारत पाकिस्तान के बीच तुरंत क्रिकेट संबंध बहाल करने की संभावना को नकार दिया है। उल्लेखनीय है कि इस आतंकी हमले में गुरदासपुर के एसपी समेत 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 नागरिकों की भी मौत हो गई है।